हेलो और मैं निकुंभ सर आपका स्वागत करता हूँ अपना चाय पे। अब सेंट्रल स्टेट हार्ड करना है अपना। तो एनएमडीसी की तरफ से रिक्रूटमेंट आया है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी अगेन आपके लिए। जस्ट वार्निंग में मैंने एचपीसीएल का वीडियो डाला था जो महाराष्ट्र था, अब ये आपका नव रत्न आया है वो भी विदाउट गेट। ठीक है, तो एज लिमिट भी 32 ईयर है जनरल के लिए। टोटल 60,000 रुपीज आपको अप्रोक्सीमेटली सैलरी मिलेगा। जूनियर ऑफिसर पोस्ट है, टोटल 63 वैकेंसीज है। बी बीटेक फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स माइनिंग एंड सिविल जो है वो ब्रांच के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक चीज अभी देखने वाले रिक्रूटमेंट के रिलेटेड, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जैसे कि हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आपके, तो आपका एक सीबीटी टेस्ट होने वाला है, उसके साथ आपका एक स्किल टेस्ट लेने वाले है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट इधर आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन एप्लीकेशन है, तो इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा मैं। और आपका एग्जाम सेंटर और पोस्टिंग जो है ऑल ओवर इंडिया होने वाला है। ओके, बाद में देखते हैं हम कि ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन क्या है वैकेंसीज का। तो माइनिंग के लिए 20 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 70, इलेक्ट्रिकल 13, सिविल के लिए 5 वैकेंसी है। और अब कैटेगरी वाइज आप देख ही सकते हो कैसे है। ठीक है, ओके, कट ऑफ डेट जो आपका है वो 23rd मार्च है। तो 23rd मार्च तक आपके सभी डॉक्यूमेंट, आपकी डिग्री आपके हाथ में हो चाहिए, इसलिए फाइनल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और सभी कैंडिडेट के लिए फी जो है वो 250 रुपीज है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 250 रुपीज आपको भरने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का। और 32 आपका जनरल का एज लिमिट है, 35 ओबीसी का, एससीएसटी का 37 है। फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और आपका एंड होने वाला है 23rd मार्च को। एग्जाम के बारे में वो आपको बाद में बताएंगे। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम पैटर्न जो कि उन्होंने नहीं दिया है स्पेसिफिकली। ठीक है, ऑब्वियसली टेक्निकल सिलेबस तो आपका रहेगा ही, लेकिन नॉन टेक्निकल रहेगा कि नहीं इस पे डाउट है क्योंकि मेंशन नहीं है। टोटल ड्यूरेशन कितना है वो भी मेंशन नहीं है। जस्ट पेपर आपका 100 मार्क्स का होने वाला है ये मेंशन है, एंड हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है, दो लैंग्वेज में आपका पेपर होने वाला है। बाकी सेक्शन कट ऑफ इसके बारे में नोटिफिकेशन डालेंगे शायद से वो आगे भी, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सबसे इम्पोर्टेंट जो है अभी आपका ऑनलाइन आप एप्लीकेशन भरोगे, उसके बाद एप्लीकेशन का प्रिंटआउट निकालोगे, आपके सब डॉक्यूमेंट जो है डिग्री, आपके मार्कशीट, सभी डॉक्यूमेंट आपके 10th 12th के। ठीक है, उसके साथ आपको उनको एनवेलप भेजना है और उसका लास्ट डेट है 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल से पहले उनके हाथ में आपका एनवेलप पहुंच जाना चाहिए। एनवेलप पे क्या लिखना है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, डिसिप्लिन और रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलेगा आपका जो जब फॉर्म आप फिल करोगे। ठीक है, किधर भेजना है, तो ये आपका एड्रेस है, तो इसको नोट डाउन कर लो, ये एड्रेस है और सभी उन्होंने बताया है। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको भेजना है। ओके, तो सभी सर्टिफिकेट का जेरोक्स निकालो, उसको ये करो, सेल्फ अटेस्ट कर दो। तो ये सभी चीजें आपको अच्छे से भेजना है उनको, और इसके बारे में याद रखो और लास्ट डेट इसका भी याद रखो। ठीक है, तो ये है आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो यही था इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अभी फॉर्म फिलिंग वीडियो, स्ट्रेटेजी वीडियो के बारे में बात करेंगे, क्या है क्या नहीं। इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है कंपलसरी। कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करो, और कुछ भी आपको करेंट गाइडेंस चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे कभी भी डीएम कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।